हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। और आज की थोड़ी इन्फॉर्मेशनल वीडियो होने वाली है। आज हम कार वॉश करेंगे बिना वाटर के, वाटरलेस कार वॉश करेंगे। तो स्टार्ट करें वीडियो को, चलो स्टार्ट करते हैं। वाटरलेस कार वॉश के लिए आपको चाहिएंगे माइक्रोसॉफ्ट टॉवल, कुछ प्रोडक्ट जैसे ये कार शैम्पू है, ये वैक्स है, एंड ये इंटीरियर मल्टी ड्रेस इंटीरियर के लिए, एंड अगर आपका प्लास्टिक पार्ट है गाड़ी में तो ये उसके लिए एक है, एंड ये गार्डर कैनन है। आप इसमें प्रेसराइज एयर करके एंड पानी यूज़ कर सकते हैं। ये तो बहुत ही मिनिमल वाटर यूज़ करेंगे हम अपनी गाड़ी पे। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि अभी किस कंडीशन में है मेरी गाड़ी, उसके बाद फिर हम कार्गो स्टार्ट। आई नो की कंडीशन ठीक है, हम टायर भी साफ़ करेंगे, तो आप प्लीज़ ये देख लीजिएगा कंडीशन अभी कैसी है, बाद में मैं इसको ओवरऑल आपको बता दूँगा। ये देखिए, वैसे दिख रही है काफ़ी साफ़, बट इतनी साफ़ है नहीं, कंडीशन काफ़ी रफ है हमारी गाड़ी की। एंड हम कंप्लीट ही साफ़ करेंगे इसको बाहर से, एंड इसका इंटीरियर भी हम साफ़ करेंगे। मैं आपको दिखा दूँ, जैसे ये देखिए हल्के से ये प्लास्टिक पार्ट है, कम्प्लीटली मैट वगैरह ये सब कुछ हम साफ, जो इंजन बे है वो भी आपको क्लीन करना चाहिए। ये देखिए कितना गंदा है, आपको कि सब साफ़ करने के बाद ये मैंने यहाँ पे ये जो आपका सिलिकॉन ग्लेज जो मैं यूज़ करता हूँ वो प्रोडक्ट मैंने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। तो उसके बाद काफ़ी लास्ट वीक मैंने इसको क्लीन नहीं किया था, बट इस वीक मैं इसको क्लीन, हमने लगभग ये हाफ फिल कर लिया है, बट हम इसको और ज़्यादा फिल करेंगे। अभी हल्का सा पानी डाला है, तो इसमें सबसे पहले मैं शैम्पू इन कर लेती हूँ, जो कि हमारा ये वेवैक्स के प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ। ये वेवैक्स है, वैक्स प्लस कार शैम्पू। क्वालिटी कितनी डालनी है आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ये देखिए शैम्पू ने अपना काम स्टार्ट कर दिया है, हल्का सा फोम इंटीरियर बनना स्टार्ट हो गया। तो आप एक चीज़ का ध्यान, सबसे ये पहला प्रिपरेशन है, आपने इसमें पानी डालना है एंड अपना शैम्पू इन करना है। किसी भी तरह का शैम्पू घर का यूज़ कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गाड़ी का यूज़ करें तो हाँ आपकी गाड़ी के लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, उसके पेंट प्रोटेक्शन के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हर चीज़ हर जो प्रोडक्ट जिस चीज़ के लिए बना है वो वहीं यूज़ हो, मैं तो मेरा मानना तो ऐसा ही है, तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। तो अब स्टार्ट करते हैं, अब सीधा गाड़ी के पास चलते हैं। तो दो चीज़ों की ज़रूरत रहेगी, एक एक कैनन एंड एक माइक्रोफाइबर। ये हमारी कैनन है, ये देखिए, अगर आपको दिख रहा हो शैम्पू, जहाँ आपको लग रहा हो कि ज़्यादा गंदा है वहाँ थोड़ा ज़्यादा यूज़ कर लीजिए, जैसे कि इस तरह से। ये देखिए मिट्टी है, तो ये मिट्टी कैसे बह के चल दी। तो ये एक अच्छा शैम्पू यूज़ करने पर ही आपको वैसे ज़्यादा अच्छी क्लीनिंग मिलेगी, ये तो सच है। आप ये मत सोचिए कि जस्ट शैम्पू पानी गिरना है एंड साफ़ हो जाएगी, तीन कोटिंग होगी इसकी। लिए पहले मैं इसका ये फर्स्ट जो कोट है ये कम्प्लीट कर लेता हूँ, फिर मैं सेकेंड कोट पर आता हूँ। व्हील भी अपना कम्प्लीट, अभी आप देखिए ये व्हील पर मैं शैम्पू डाल देता हूँ। तो घर में ऐसी ब्रश हो जो यूज़ ना हो रही हो, उसको जिस कपड़े से आप गाड़ी ने अभी साफ़ किया था, आप उसी कपड़े से टायर को हाथ के हाथ साफ़ कर दो। वंडी मैट है, तो सबसे अच्छा सोल्यूशन है कि जो भी आपका ये माइक्रोफाइबर टॉवल है उसको लेके आप डायरेक्ट इस पर कपड़ा मार दें, क्योंकि ये ज़्यादा गंदा नहीं होता, क्योंकि इसके ऊपर के जो कवर होते हैं वो ज़्यादा गंदे होते हैं, उनको हमें पानी से धोना होगा। बाकी सभी मैट पे इसी तरह से आप कर दें। एंड वन मोर, मैंने मॉडिफिकेशन नीचे एक पूरा कंप्लीट मैट भी लगाया हुआ है, अगर आप चाहते हैं कि मैं मॉडिफिकेशन की वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। तो मैंने गाड़ी में क्या क्या मॉडिफिकेशन कराए हैं, जैसे एलॉय वगैरह हो गए,
तो उनके बारे में मैं आपको पूरी कंप्लीट डिटेल दे दूंगा। जैसे ये जो मैट के अपर पार्ट्स हैं इनको हम धोएंगे, कुछ तो धोना ही पड़ेगा भाई। सबसे पहले हमें ये मिट्टी जो है ये हटानी होगी। ये देखिए, ये जो पुराना काम किया हुआ है ना उसका फल है ये जो आज हमें दिख रहा है। यहाँ पे सिर्फ रेत जमा हुआ है, बट हम इसको और डीप क्लीन अच्छे से भी करेंगे। इसका जो सेकंड है वो भी यहाँ पे, सबसे पहले माइक्रोफाइबर टॉवल जो आपका गंदा हो चुका है उसी से ही सारी डस्ट, ये जो चिपका हुआ वो साफ़ करना है। ज़्यादा प्रो ना बने इंजन के भी उसमें, जितना हल्का हल्का आपको ऊपर ऊपर जितना साफ हो सके बस वही करना है। अब हमारी कैनन की बारी, क्योंकि ये ना इसमें हल्का शैम्पू है तो ये जो चिपका हुआ रेत है इसको हटाने के में ज़्यादा बेहतर काम करता है। ये हमारा सेकंड राउंड। हमने ये हल्का सा सिलिकॉन ग्लेस, कोई भी कोलिन की अगर खाली बोतल आपके पास है या कोई भी घर पे कैसे यूज़ करते हैं इसमें स्प्रे नोज़ल है वो यूज़ कर सकते हैं आप माइक्रोफाइबर टॉवल, क्योंकि अब हम इंटीरियर को क्लीन करेंगे। तो ये चीज़ें मैं इसके अंदर इसको पोर करता हूँ फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ज़्यादा नहीं, बस हल्का सा वाटर, आई थिंक हम इसको हाफ फिल कर लेंगे। हमने हाफ फिल कर ली है, ये जो लिक्विड हमारा कंटेन हुआ है इसको शेक कर लेते हैं और फिर बहुत हल्का हल्का ये जितने भी प्लास्टिक पार्ट है इन पे सब पे स्प्रे करना है। आपके पास ऐसा कुछ प्रोडक्ट नहीं है तो जो फर्स्ट मैंने आपको बताया कोई भी शैम्पू लेके आप जो क्लीन करते हैं वो भी एक सही प्रोसेस है, उसको भी आप कर सकते हैं। आपके प्लास्टिक की पार्ट, आपकी जो प्लास्टिक पार्ट है उसकी लाइफ बढ़ती है, उसकी शाइन बढ़ती है। कुछ नहीं करना, आपने जो ये माइक्रोफाइबर टॉवल है आपका इससे जस्ट आपको इसको क्लीन कर लेना है। जब ये सूख जाएगा तब देखना, मैं आपको दिखाऊंगा कि कितना और ज़्यादा बेहतर हो गया है। ये देखिए, ये प्लास्टिक का पार्ट सूख चुका है तो एक हल्की सी यहाँ पे एक स्मूथनेस आ गई है एंड शाइन भी इसकी। आई थिंक ये डार्क ब्लैक की तरह लग रहा है, पहले तो बहुत ही ज़्यादा गंदा लग रहा था बट और बेटर लग रहा है। कुछ प्लास्टिक पार्ट बाहर भी हैं तो उनको भी कवर कर लेते हैं। इसको सूखने ना दें, तुरंत इस पर वाइप अप कर लें वरना फिर ये पैचेस छोड़ देगा। ये वेवैक्स का मैं प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हूँ, आई थिंक कोई और सिलिका ग्लेस है तो शायद वो भी डायरेक्ट भी आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं किसी भी प्लास्टिक पे, बट जहाँ भी ये गिरे आप वहाँ पे कपड़ा ज़रूर मार दें। गाड़ी की जो इंटीरियर प्लास्टिक है उन पे भी हमें इस तरह से ये जो सिलिकॉन ग्लेज है इस तरह से हमें स्प्रे कर देना है जहाँ भी प्लास्टिक पार्ट दिख रहा है आपको। प्लास्टिक पार्ट बहुत इम्पोर्टेंट है आपकी गाड़ी के लिए, क्योंकि ब्लैक जो पार्ट है प्लास्टिक का वो वाइट हो जाता है। क्योंकि अगर अच्छी सी अच्छी क्वालिटी अगर कंपनी प्लास्टिक नहीं लगाती तो देखिए सामान आपका है, ध्यान आपको ही रखना है, कोई और नहीं रखेगा। ठीक है, बाहर वॉश कराएंगे वो एक गंदे से कपड़े से वॉश कर देंगे। प्लास्टिक पार्ट किसी भी तरह का कोई भी हार्मफुल केमिकल के साथ आपका वॉश करते हैं या फिर वो लगा देते हैं, बट लेकिन जब आप अपनी चीज़ का खुद ध्यान रखते हैं तो आप उसमें जो बदलाव है वो खुद देख पाएंगे। करता हूँ तो मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैंने किया है। तो अब आप ये मत सोचिए कि मैं किसी, सबसे पहले ये प्रमोशनल वीडियो नहीं है एंड हाँ ये सिलिकॉन ग्लेज आपके प्लास्टिक और टायर दोनों पे यूज़ होता है तो टायर के लिए भी ये अच्छा है। अगर एलोई यूज़ करते हैं नहीं करते भाई, टायर मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है। गाड़ी कितनी भी चमका लो बट टायर अगर आपके अच्छे नहीं होंगे ना, मतलब दिखने में लुक वाइज आपने अगर अच्छे से साफ़ नहीं किया होगा, पूरी गाड़ी कितना भी साफ़ कर लो कितना भी
नहीं होएगा, बात ही नहीं बनेगी। ऑल डन, ये टायर मैंने, आप देखिए मैंने कितना पानी यूज़ किया था, किस तरह से धोया था, आपको भी लग रहा होगा शायद क्लीन नहीं, बट लेकिन गाड़ी कंप्लीट वॉश हो चुकी है, ड्राई वॉश बोल सकते हैं।